सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। राधा जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वह अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था, इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थीं ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उसके मन की मुराद ही पूरी हो गई। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस से काम करने की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक तुम सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठ जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, मैं देर रात तक काम चलता रहा इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा, हे भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ, राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आए तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद ही एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में उसका नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सिर पर मत बैठाओ, बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेंगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा की नौकरी करने के खिलाफ थी, अब करे नौकरी शौक से पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे ही सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास पानी उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला उसे। माना वे नौकरी के खिलाफ है, मगर घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, इससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उनकी नज़रों में राधा जी की इज्जत कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका गई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डांट दिया। माँ,
आप बिल्कुल भी मेरी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। करोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू की बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कभी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद, और सीमा रोने लगी, उसने फ़ोन काट दिया। सीमा की बात सुनकर दादाजी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कड़वी से कड़वी बात को भी बुरा नहीं मानती, उल्टा जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा कि और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहला वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही है इसलिए कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलती का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह।